ये है हमारा तीसरा एपिसोड इस सीरीज का। हम जो है फिलहाल पत्नी टॉप के अंदर हैं और ये हमारा छोटा सा रूम है। रात को जो मिला हमने फाइनल करके अपना फ्रेश व्रेश तो हो लिए, सारे बैग वैग पैक कर दिया है और अब जाएंगे डायरेक्ट गाड़ी को चार्ज करने पत्नी टॉप में। थोड़ा सा ही आ गया, इसी रोड से सीधे ऊपर जाएंगे और गाड़ी खड़ी है अपना यहाँ पे, एक बार आप देख लो। और हाईएस्ट रोप वे भी हमारे सामने ही, एक बार आपको दिख जाए। ये जो अभी कोई आएगी केबल कार तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। तो जो पत्नी टॉप का सबसे फेमस है वो यही है। अभी फ़िलहाल चेकआउट करते हैं और निकलेंगे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके सेकंड एपिसोड में बताया था कि भाई इसको फुल चार्ज करके लेके चलना, तो वो हम जो है आज करेंगे भैया। इसको फुल चार्ज करेंगे यहाँ पे और फिर इसके बाद जो है अपनी लोकेशन पे जो भी जहाँ भी मन करेगा घूमने का वहाँ जाएंगे। एक दो पॉइंट्स हैं जो कि हमने बात करें लोकल्स वगैरह से। चार्जिंग स्टेशन पर तो हम पहुँच चुके हैं। टाटा का चार्जर लगा हुआ है 25 किलोवाट का। पुरानी सबसे पहली एपिसोड वाली वीडियो के अंदर भी बताया था जहाँ जहाँ इस टाइप के 25 किलोवाट वाले टाटा के चार्जर लगे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा बेकार चार्जर है। मतलब इतनी देर हो गई, लगभग 15-20 मिनट हो गए हमें यहाँ पहुँचे हुए और अभी तक जो गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जबकि मैंने लगा दिया सब कुछ, ऑन वगैरह कर दिया, गन भी लगी हुई है, तब भी ये जो है ऑन नहीं हो रहा है। पता नहीं किस टाइप के ये वाला चार्जर है। टाटा के जो 30 किलोवाट वाले चार्जर हैं वो इतना दिक्कत नहीं देते, बट 25 किलोवाट वाला स्पेशली इस टाइप का जो चार्जर है ये सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत देता है। देखो मैं एक बार गाड़ी भी दिखा देता हूँ। देखो आप, गाड़ी 47% चार्ज है और गन भी देखो अभी दिखा रखी है कि गन लगी हुई है, बट चार्जिंग चालू ही नहीं हो रही है। थोड़ी देर और वेट करेंगे कि चार्जिंग चालू होती है कि नहीं होती है। अदरवाइज यहाँ पे एक और टाटा का चार्जर है जो 30 किलोवाट वाला है, वो इतनी दिक्कत नहीं देता, वो इजीली जो है गाड़ी को चार्ज कर देता है। बट जैसे मैंने नीचे बताया, देख लो आप, केबल कार जो है ये जा रही है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार जो है पत्नी टॉप के अंदर है और व्यू भी अच्छा खासा है। जो नीचे हमने जब सबसे पहले सेकंड अपने अगर एपिसोड देखा होगा उसके अंदर जो चार्ज करी थी, सेम उनका ही ये जो है आउटलेट है। नीचे से ऊपर तक केबल के थ्रू लेके आते हैं। सेकंड लोकेशन पे अपनी पे आ चुके हैं। ये वाला चार्जर मिला है, ये सेम चार्जर है बट यहाँ पे जो है चार्जिंग चालू हो चुकी है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से दिख भी रही होगी। 45 पे हमने जो है यहाँ पे चार्जिंग लगाई है, फुल चार्ज करेंगे यहाँ पे 100%, देखते हैं क्या खर्चा वर्चा आता है। यहाँ पे वैसे 7. अपना जो 25 किलोवाट वाला, सॉरी आई थिंक एक बार देखता हूँ, 7.4 है, 7.4 किलोवाट वाला चार्जर जो एसी टाइप 2 है वो भी लगा रखा है और ये भी लग रहा है। बट यहाँ पे शुक्र है कि ये वाला चार्जर तो चल गया, अदरवाइज फिर हमें जो है छोटे वाले चार्जर से जो है चार्ज करनी पड़ती। तो गाड़ी जो है लॉक करके अपना चलते हैं घूमने के लिए। वो दोनों तो जा चुके हैं, देखते हैं अब आगे का कैसा प्लान रहता है। गाड़ी को करते हैं फुल चार्ज, लगभग आधे घंटा मुश्किल से लगेगा यहाँ पे फुल चार्ज होने में, क्योंकि 45 जो है ऑलरेडी गाड़ी जो है चार्ज हो चुकी है। ये त्रिनेत्र होटल के अंदर लगा हुआ है, अगर किसी को जानना हो तो। वो स्काई व्यू के अंदर था, ये त्रिनेत्र के अंदर है। ऐसे आसपास ही है दोनों, 1 किलोमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ से ये देखो इसकी हाइएस्ट टॉप व्यू कितना है। वैसे लोकेशन तो अच्छी है, बैठना चाहो तो वहाँ नीचे जाके भी बैठ सकते हो। हमने ऑर्डर किया है फाइनली ब्रेकफास्ट और अपनी गाड़ी चार्ज ऑलमोस्ट 57% हो गई है, 45 पर लगाई थी। तो हमने सोचा जब तक ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, यहाँ पे करना और दूसरी जगह पे करना सेम ही बात है। तो ब्रेकफास्ट मंगा लिया है, टोस्ट वगैरह मंगाए हैं, ऑमलेट मंगाई है और चाय, और वो जो कॉफ़ी पी रहा गार्ड। तो इसको ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी भी थोड़ा देर और लगेगी, 20 मिनट रह गए हैं फुल चार्ज होने में। और देख लो मोबाइल में दिखाता रहता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, बट इंटरनेट की बहुत इशू है। अब देख लो अभी भी जो है इंटरनेट का इशू बता रहा है ये। हमने वाईफाई वगैरह के लिए बोली तो भाई साहब मना करते हैं, यहाँ पे होटल की ब्रांडिंग तो ऐसे कर रखी है, बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको निपटाते हैं। फाइनली अपनी गाड़ी तो चार्ज हो गई है, बहुत मुश्किल से चार्ज हुई है और चार्जर इतना स्लो है। आप देखो 77% चार्ज हुई है, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है। ये चार्जर तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल बेकार चार्जर है। इस पर तो अगली बार नेक्स्ट टाइम चार्ज भी नहीं करेंगे। बट अब बताता हूँ प्लान नेक्स्ट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान है, दोनों बंदे बैठ चुके हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दो लोकेशन हमने पता करी है जहाँ पे घूमने जाने की जगह है। सबसे पहले नत्था टॉप और एक जो है लेक है। सबसे पहले नत्था टॉप जाएंगे और उसके बाद लेक, देखते हैं नत्था टॉप पे क्या ऑप्शन हमें जो है देखने के लिए मिलता है। फोटो वोटो खिंचाएंगे थोड़ा बहुत और चलो लेके चलता हूँ। एक बार सबसे पहले मैं आपको इसकी वो और दिखा देता हूँ, MID चाबी। एक सेकेंड, इसमें आप पुश बटन वाला ऑप्शन होता, एक बार आप देख लो फिर से। 77% फिलहाल गाड़ी जो चार्ज है। निकलते हैं यहाँ से। नी टॉप की जो सबसे फेमस जगह है फ्लोर वैली पे जा रहे हैं और उसके लिए जाने के लिए आप रास्ता देखो एक बार, कितनी स्टिफ चढ़ाई है। और देखो ईवी यू ही जो है इस पे इजीली चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस नहीं पड़ रहा इतना ज्यादा। बट कुछ जगह पे थोड़ा सा दिक्कत दे देती है जहाँ पे व्हील स्पिन वगैरह थोड़े से होते हैं, बट अगर एक बार मोमेंटम में आ गई उसके बाद इसे कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार आप चढ़ाई देखो कितनी स्टिफ है और कितनी ऊंचाई पे जो है फिलहाल हम जो है अभी चल रहे हैं करंटली। तो ये थोड़ा सा अपडेट देना था, परसेंटेज वगैरह फिर से देख लो एक बार आप। और फर्स्ट लोकेशन के बाद फिर दूसरी लोकेशन हमारी कौन सी है, सानेसर लेक पर जाएंगे। उसके बाद लास्ट कौन सा है,
उसे तीन ही है, तीन चार है, हमने फोटो खींच लिए हैं, वो मैं आपको एक बार पहुंचने के बाद सारे चीजें दिखा दूंगा। पर मेन मेरे को ये दिखाना था कि ईवी पे तीन जने मोस्टली बैठे हैं, डिग्गी पूरी फुल है और इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ नहीं रहा है जितना फिलहाल अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी तो नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस एक जगह थोड़ी सी फंस गई थी, उस टाइम पे इसके व्हील स्पिन इतने ज्यादा हो रहे थे, मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट आप एक बार जो है व्यू देखो कितना अच्छा जो है ओवरऑल व्यू है। बट बर्फ वगैरह के लिए हम आए थे यहाँ पे, बर्फ वगैरह अभी फिलहाल नहीं है। लोग एक बार सामने देखो और एक बार नीचे देखो, व्यू कितना खतरनाक है। मतलब अभी 12 किलोमीटर रह रहे हैं नत्था टॉप के लिए। पहला वाला जो था वो थोड़ा सा मिस हो गया, हम लौटते में उसे कवर करेंगे। भाई वाह, पैसे वसूल हो गए यहाँ तो। फाइनली भाई नत्था टॉप तो पहुंच गए और एक आप हाईएस्ट व्यू देखो, मतलब टावर भी कहाँ लगा रखा है। और यहाँ से देखो एक बार, ये हमारी फर्स्ट लोकेशन थी, पहली वाली तो मैंने आपको बता दिया मिस हो गई वो हमसे थोड़ी सी। और इंडिया का फ्लैग भी देखो, आप दिख जाए तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो वो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है ये, और यहाँ पे भी सेम जो है इंडिया का फ्लैग टावर, मतलब यार अमेजिंग है। और अपनी ईवी भी सबसे अमेजिंग है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो बेटे मजा खतरनाक, ठंड। फाइनली सबसे टॉपेस्ट पॉइंट नत्था टॉप पे पहुंच चुके हैं और अपना इंडियन फ्लैग ये रहा। इससे ऊपर कुछ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बस ये टावर दिखाई दे रहा। 5G के फुल नेटवर्क आ रहे हैं यहाँ पे, और व्यू की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। वही वाह, आप एक बार व्यू चेकआउट करो, यहाँ पे आके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे आपके अगर आप नत्था टॉप आओगे। बट बर्फ बर्फ नहीं मिल रही, बर्फ शायद इधर गुलमर्ग वगैरह में हो सकती है, बट वहाँ नहीं जा रहे हैं, यहीं से दूर से देख लेंगे। बर्फ हमने कई बार देख रखी है और आगे का कभी प्लान बनेगा तो आगे देखेंगे। बट ठंड अच्छी खासी है, ठंडी हवा चल रही है। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया था, 9 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर दिखा रहा है। उतर के तो फाइनली आ गए, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। बट एक चीज दिखाता हूँ बारिश के साथ साथ, देखो उस जगह पे मैं एक बार सुन करके देखो, देखो स्नोफॉल हो रही है सामने और गाड़ी के ऊपर बारिश आपको दिख रही होगी। एक सेकंड आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, अब आपको दिख जाएगी। पर जैकेट वैकेट ने बचा लिया, हम जल्दी उतर आए वहाँ से। और स्नोफॉल देखो कहीं ना कहीं को सामने मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, इधर लेक पर चलते हैं। 30% देख लो एक बार, 63% है। टाइम ऑलमोस्ट 3:34 हो रहे हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो जी, नहीं यहाँ किट नहीं मारेगी, एक बार वाइपर चला देते हैं। बर्फ मिल जाती तो यार बड़ा अलग ही मजा आ जाता, जिस चीज का इंतजार था आप एक बार देख लो। हम स्पेशली पत्नीटॉप आए थे बर्फ के लिए और बर्फ जो है हमें मिल चुकी है। अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, क्या पता रोडों पे थोड़ी बहुत बर्फ मिल जाए, सब फन करके देखेंगे गाड़ी से कैसे परफॉर्म करती है बर्फ में। लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं। बर्फ का मौसम तो हो रहा है, हो सकता है रात वात में बर्फ पड़े, बट अभी फिलहाल तो इतनी बर्फ ही देखने के लिए मिल रही है। ये है सनासर लेक, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि पहुंच चुके हैं हम। अब नीचे जाने की सोच तो रहे हैं, इतना नीचे जाना पड़ेगा, बट इतना कोई खास नहीं है जितना इसका जो हाइप वगैरह बना रखी थी, इतना कुछ है नहीं। और टूरिस्ट भी बहुत कम है, आपको दिख ही रहा होगा फ्रेम में। और बोटिंग वगैरह करने का हमारा बिल्कुल नहीं मन है, क्योंकि कई बार हमने कर रखी है, बट अगर बर्फ मिल जाती ऊपर जैसे वहाँ पे आप देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ा आ जाता। बट अब यहाँ पे ये दोनों भी सोच में हैं और मैं भी सोच ही रहा हूँ कि नीचे जाया जाए कि नहीं जाया जाए, क्योंकि बोटिंग हमारा मन नहीं है। एक बार डिसाइड करते हैं। हम आए थे अपनी लास्ट लोकेशन पे जहाँ पे फ्लावर्स वैली है, बट ये जो है इस टाइम तक बंद हो चुका है, आप देखो ताला लग रहा है इस पे। और ये गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये भी लौट के ही जा रहे हैं। 54% फिलहाल चार्ज है, रेंज वगैरह कितनी दिखा रही है, और टाइम देखो 5:25 हो रहे हैं रात के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।